अगर मेरा वक्त बुरा होगा जो कोई है जो मेरे लिए किसी से भी लड़ जाएगा। सो गाइस, एक फिर से आज हम नया व्लॉग लेके आए हैं। आज नायब ग्रुप की तरफ से हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। वो कहाँ जा रहे, किधर जा रहे, हमारे हाशम सर और हमारे टीम के लीडर हाशम सर सुनेंगे। आइए शरीफ भाई। और हाशम सर कहाँ जा रहे, किधर जा रहे, अपन क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नायब रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी की तरफ से एक टूर है, उसका टूर है मलेशिया। उसमें हम अपने CMD अलहाज डॉक्टर वाजिद साहब के साथ जा रहे हैं। माशाल्लाह ये मेरी तमाम टीम है, जिसमें अनीस है, अफसर पटेल, शरीफ और हमारे शकील भाई है। आगे भी और साथी माशाल्लाह हमारे वहाँ मुलाकात होंगे, तो आप लोग दुआ कीजिए अल्लाह हमारा सफ़र आसान फरमाए। सर कहाँ जा रहे हैं? सर हम लोग मलेशिया जा रहे हैं माशाल्लाह से। हम लोग चलो शुक्र है अल्लाह का और हमारे CMD साहब आले जनाब MD वाजिद साहब का और हमारे हाशम सर का। अभी वक्त हो रहा 5:30 हो रहे, अभी हम लोग यहाँ हाशम सर के घर से निकल रहे हैं। वैन बात कर लिए, वैन से निकल रहे हैं। और पटेल हो गया ना तैयारा पूरा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ भाई तैयारी हो गई। देखो माशाल्लाह से हैदराबाद से हम लोग मलेशिया जा रहे हैं टूर के लिए। जो नायब रियल इस्टेट ग्रुप, जो रियल इस्टेट का ग्रुप है, जो हमारे अलहज अब्दुल वाजिद साहब उनकी तरफ से जो, तो अभी हम लोग रेडी हो गए, पूरे बैग पूरे लगेज पीछे रख दिए हमारी गाड़ी। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से सीधा एयरपोर्ट के लिए। चलिए देखते रहो हमारा व्लॉग, कंटिन्यू करेंगे एयरपोर्ट से। चलो अभी हम लोग एक छोटा ब्रेक लिए द पैलेस के पास, टी टाइम, चाय का इंतजाम। और हमारे जुनैद मिल गए मेरे साथी, जो के नायब ग्रुप में ही रहते हैं। जुनैद, हाँ जुनैद, कुछ बोलना चाहते हैं आप भी? एयरपोर्ट निकलने की तैयारी है आप किसी? तैयारी का निकल गया, रास्ते में है ऑलरेडी, और दो गाड़ियाँ आ रहे पीछे। उल्लांग वहाँ से ब्रेक करे हम लोग, चाय पींगे बोले थे, फिर रुके हुए आ गए। सर का फ़ोन आ रहा हाशम सर का, क्या बोलते हैं हमारे दोस्त आरिफ, अपने एसोसिएट बनने वाले आरिफ। तो निकलेंगे अभी, चाय का तो हो गया, चाय पी लिए। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, पीछे गाड़ियाँ हैं हमारे, और एक गाड़ी आ रही जुनैद की गाड़ी, जुनैद की फैमिली आ रही छोड़ने। मैं तो फैमिली के साथ ही जा रहा हूँ, मैं हाशम भाई, हाशम भाई की फैमिली और हमारे वाइफ भाई की फैमिली, तकरीबन इसमें फैमिलीज भी है। चलो मिलेंगे अब एयरपोर्ट पे, टाइम हो रहा फ्लाइट का। अब हेलो दोस्तों, अभी हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। अभी हमारे श्रीनिवास साहब हमको बुक दे दिए, डेरी दे दिए, पासपोर्ट भी ले लिए, टिकट ले लिए। अभी हमारे आली जनाब CMD साहब नायब ग्रुप के, बोलिए सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज माशाल्लाह हमारी बेहतरीन मलेशिया की ट्रिप है, जिसमें 70 लोगों का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। पूरे 70 लोग मिलकर जा रहे हैं क्योंकि ग्रुप नायब ग्रुप से इंशाल्लाह अगले टाइम पे 70 की जगह 140 पूरी एक पूरी फ्लैट अपनी होना चाहिए। जो जो भी लोग अब नहीं एलिजिबल हुए, नेक्स्ट टाइम पे इंशाल्लाह वो लोग एलिजिबल होंगे। चलो इंशाल्लाह ये सारे साथी यहाँ जितने भी नायब ग्रुप के देख रहे हैं पूरे एलिजिबल हो जाए, नेक्स्ट ईयर पूरे के साथ जाएंगे। अभी इंशाल्लाह क्या पड़े अनिल सर वीडियो एट चलो, ये हमारे श्रीनिवास साहब द ट्रैवल एजेंट, जो अभी उनके ही मुंह से सुनेंगे कैसा है, क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं। इससे पहले हम उज्बेकिस्तान लेके गए थे, बहुत शानदार ट्रिप थी। ये विजया मैडम है मेरे पीछे, हमारे श्रीनिवास सर, बहुत अच्छी ट्रिप थी। मैं तो जितना भी तारीफ करूँ वो कम है। सर कुछ बोलिए हमारे सर। ये है ना जो जो ट्रैवल फैक्ट्री बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स करते हैं, इसमें उनको पहली बार हम पहले ताशकंद लेके गए थे, अभी मलेशिया लेके जा रहे हैं। इनका 70 लोगों का ग्रुप है, 3 नाइट्स मलेशिया में रहेंगे, 4-स्टार होटल है और पूरा मलेशिया साइट सीइंग करवाएंगे। और खाने का कैसा रहेगा? खाने का इंडियन फूड, इंडियन मलेशियन भी खिलाएंगे और इंडियन भी खिलाएंगे। गेंटिंग आइलैंड जाएंगे, ठीक है,
ऑल द बेस्ट। चलो सर कुछ बोल रहे सर, आइए सर कुछ बोल रहे। अच्छा ये सफर में स्पेशल एक देखा, मैं श्रीनिवास सर के साथ लास्ट टाइम में उज्बेकिस्तान ताशकंद गए थे हम लोग, तो जब सर बहुत उम्र वाले दिखे लेकिन अब यंग दिख रहे, इसका क्या राज है समझ में नहीं आता। विजय मैम से सवाल कीजिए, सर यंग अनिपिस्तुंडु अला इंदुकु अनि ओक क्वेश्चन चेप्पंडि। मैडम चेप्पाले मैडम मीरु सार सार गुरिंचि एमैना चेप्पाले, श्रीनिवास सार गुरिंचि प्लीज। శ్రీనివాస్ సార్ చూడండి సార్, మీరు చాలా ఖతర్నాక్ యంగ్ కనిపిస్తున్నావు సార్, యూత్ అయిపోయినావు సార్, నువ్వు యూత్ యూత్ కనిపిస్తున్నావు సార్ నువ్వు ఇది సామ్య సామ్య ఏ హారే వైజ్ బాబు రే క్యా బోర్ రే మే కైసా దిగ్ రే నో बोला जी सही भी। चलो हम लोग आ गए, पूरे लगेज ले लिए, सबके टिकट हो रहे हैं, अंदर जाना बाकी है। ये हमारे लगेज, ये हमारा ग्रुप, हमारे पार्टी हो रही है। शरीफ भाई नहीं बड़े ठहरा, तो अभी हमें हमारा बोर्डिंग पास हो गया हमारा अभी अभी, और सिक्योरिटी चेक भी होगा। हमारे साथ कुमसेटपल्ली के हमारे जाने माने हस्ती बैट्समैन और सुपर बॉलर नईम भाई, और हमारे शौकत भाई कुछ बोलना चाहेंगे हमारे एशिया का टूर है हमारा 4 दिन का, और 11 के दिन हम शाम में यहाँ पे आएंगे, 12 के दिन सुबह में इंडिया के अंदर आएंगे। हमारे शौकत भाई, ये हमारे खदीर भाई, पीछे पटेल चलेंगे अभी, हो गया सबका सब दिन आ गए ना, और थोड़े लोग हमारे साथियाँ आगे गए चलेंगे। पटेल कुछ बोल रहे, बोलो पटेल कुछ भी नहीं, ये छेड़ा हो पड़े लगेज क्या हो रहे पटेल। हम लोग को अभी पूरा बोर्डिंग पास होके हम लोग वेटिंग की फ्लाइट की वेटिंग में बैठे हुए हैं, ड्यूटी फ्री से पास हो रहे, फ्लाइट की तैयारी में है, अनिश भाई के साथ में अभी लेट है। चलो गाइस अभी हम लोग आ गए वेटिंग हॉल में बैठे, फिर मैकडोनल्ड में आए, थोड़ा बहुत नाश्ता पानी हो गया, और आगे के डिटेल्स हमारे हाशम साहब डायरेक्टर साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी भी माशाल्लाह हम लोग का बोर्डिंग पास वगैरह होगा, और बाकिया जितने इसके अंदर मरहले थे वो कम्प्लीट हो गए। अभी माशाल्लाह हम लोग प्लेन के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, 2 घंटे लेट है प्लेन, तो आप तमाम से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को देखते रहें और अनिस भाई के चैनल को लाइक करें। माशाल्लाह हमारे अनिस भाई बहुत अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं, और ये वीडियो इंशाल्लाह आगे भी और बनाते रहेंगे, तो लाइक कीजिए। जज़ाकअल्लाह। ये साथ में मेरे जुनेद और इधर ताहिर संगरेड्डी से माशाल्लाह शरीफ भाई। चलिए ये थे हमारे डायरेक्टर साहब, हमारी टीम के आशम सर, बहुत बहुत मुबारक आशा सर, और आपकी टीम से बहुत जने हैं आपकी ये ट्रिप में इंशाल्लाह। पिछले ट्रिप में बोले थे कि आशम सर हमारे को इंटरनेशनल ट्रिप देंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएंगे अपनी टीम से, बोल के बोले थे, इंशाल्लाह वैसे ही हुआ है हमारी टीम से। खाली एक तीन आदमी और आते तो मजा आता, और 3 आदमी आते तो और मजा आता। पूरे देखो हमारे एक तीन और मेंबर मतलब ड्रॉप हो गए उनके वाले साहब का इंतकाल होने से, तो इंशाल्लाह अभी तो 11 और 12 लोग आए थे, इंशाल्लाह अगली बार में 24 और 25 आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर भाई, जो कोई भी नायब से जुड़ना चाह रहे हैं आइए मिलिए। चलिए देखते रहो हमारा वेला किसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह अभी हम लोग करीब आ चुके हैं प्लेन के, प्लेन में बैठने के लिए करीब से मुराद ये नहीं कि मलेशिया, बल्कि जब से इंतजार कर रहे थे कि हम हमारा प्लेन अभी लगेगा शायद, तो अभी थोड़ी देर पहले लगा। माशाल्लाह मेरे साथ फाजिल अमान जो के हमारे CMD अलहाज वाजिद साहब के भाई हैं दूसरे वाले, तो आप भी हमारे साथ हैं। फाजिल भाई कुछ बताएं। और फाजिल भाई क्या हाल चाल, कैसा हाल? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम है। ये अरे हमारे नए में फिर एक बार इजाज़ भाई सामने आओ ना, इजाज़ भाई दूर है, कहाँ इजाज़ भाई तुम? हाँ बुलेट पे नहीं, अरे आशा भाई पीछे से लो सारे जी सर, एक बार हाथ बताओ ना भाई कर। चलो अपन अभी फ्लाइट में बैठ गए, अभी निकल रहे, अनाउंसमेंट हो रहा, जा रहे हैं हम लोग।
Do not inflate your life vest until you're at the exit, as this would slow down the evacuation flow. Your life vest has an oral tube. मेरे साथ आसम सर तबारुक अटाले मल्ली चले लाए हमारा आसम का ड्राइव किया आसम सर और एक बात है फ्लाइट देख रहे हैं आप कितने खाली है पीछे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हम लोग को बात करने का और चलने फिरने का यहाँ पे मौका मिला दूसरी सीट पे बैठने का मौका मिला ओके सर शुक्रिया आपका बहुत बहुत इधर आसम सर कैसी है नज़ारे अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं अभी सुबह सुबह हो गई और हम लोग शरीफ हैं मलेशिया के तो मैं अनिस साहब से कहना चाहता हूँ कुछ नज़ारे जो बाहर के हैं ज़रूर सर ये देखिए कितना खूबसूरत मंज़र माशाल्लाह से यहाँ पे दिख रहा है और अल्लाह की शान देखिए ये जो अबर है जैसे कुछ चीज़ें बिछाई गई हुई चीज़ें हम लोग देखते हैं गद्दा वगैरह सोफे का गद्दा हो या कुछ और कहें उसको तो देखिए कितना खूबसूरत मंज़र है माशाल्लाह से अल्लाह ताला कैसे नज़ारे और कैसे मंज़रें हमको दिखा रहे हैं मैं अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें ऐसे नज़ारे देखने के लिए ये सफ़र में मुंतखब किया माशाल्लाह मेरा भाई अनीस ये भीड़ निकाल रहा ले रहा है ये लेट डालो लेकिन नहीं दिख रहा है इसके अंदर और ये मेरा भाई जीनो और यहाँ पे मेरे भाई अहमद देखिए बहुत ज़्यादा अंदोज माशाल्लाह जिन्हों कुछ कहना चाहोगे जिन्हों में लैंडिंग है जी जी मैं उसके अलावा कुछ ये जो नज़ारे अल्लाह ताला हमको दिखा रहे हैं और चलो गाइस अपन लोग कुआलालंपुर मलेशिया पहुंच गए अभी हम लोग जा रहे हैं सारे हमारे साथियाँ उतर चुके मैं और जुनेद और पीछे अहमद चलो आइए तायर भाई आपका इंतज़ार ये हमारे तायर भाई और तार भी चलो आ जाओ साहब सब ले आओ चलेंगे हमारी फ्लाइट थी फ्लाइट से जा रहे हैं वापिस शायद बाहर बस से क्या है देख लेंगे उसके बाद बना दो अभी साथ ही आने वाले हैं ओके बाय बाय जब तक देखते रहो हमारा विलाग बाय बिस्मिल्लाह साथियाँ जा रहे हैं अभी बाहर इमिग्रेशन के लिए सर हाशम सर पटेल हाय हम लोग आ गए हाशम सर यहाँ फोटो शूट चल रहा हाशम सर का ये फ्लाइट्स अभी से ही आए हम लोग अपनी फ्लाइट है चलो अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट हमारा पीछे फ्लाइट बताया आप लोगों को इससे पहले अभी हम लोग इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं थोड़े लगेज लेने वाला है लगेज भी ले ले रहे हैं उसी के लिए और आजम सर बहुत अच्छे नज़ारे हैं मलेशिया पहुंच चुके हैं हम लोग अल्लाह का करम हुआ आफियत के साथ आसानी के साथ माशाल्लाह हमारी पूरी टीम साथ में हमारी फैमिली भी थी बहुत अच्छा एयरपोर्ट है बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ और सहूलतें मलेशिया एयरपोर्ट पे हैं तो इंशाल्लाह देखेंगे आगे और क्या क्या ऐसे टूर और भी मिलेंगे टूर और के अंदर और भी बहुत सी चीज़ें हैं अभी होटल है और हमारे ट्रैवल की जैसे बस वगैरह बोलेंगे वो भी हैं क्या होता देखेंगे आगे इंशाल्लाह चलिए देखते रहो सब हमारा व्लॉग इस आरटीवी न्यूज़ और जो कोई भी नए नए लोग जुड़ना चाह रहे हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्या बोलते हैं हाशम सर ऐसे टूर बहुत से मिलेंगे अपने को क्या आ गए ये रहा एयरपोर्ट वेटिंग चल रही पूरे साथियाँ हमारे वेट कर रहे हैं और थोड़े बाहर आने वाले हैं ये एयरपोर्ट है यहाँ का आगे पूरे आए और आ रहे हाय सर तो अभी बस आ गए हम लोग बस में चढ़ रहे हैं ये हमारे जुनेद इधर चलो मलेशिया apologies to one and all we are delayed మనం కొంచెం డిలే అయినాం సార్ రీజన్ ఏంటంటే మనము మన ఫ్లైట్ యాక్చువల్గా 2 hours డిలే అయింది బట్ డ్రైవర్స్ అండ్ గైడ్ ఏంటంటే దాన్ని ఓవర్లాపింగ్ చేసి మార్నింగ్ 4:30 నుంచి ఇక్కడే ఉన్నారు
ఆర్ సిక్స్ వరకు వెయిట్ చేసి వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చారు, అందుకు డిలే అయింది. సో ఒకసారి మనం ఎంటర్ అయ్యాం కాబట్టి ఇంకా రేపటి నుంచి మనకంతా పర్ఫెక్ట్ షెడ్యూల్ ఉంటుంది సార్. ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఇన్స్ట్రక్షన్, ఎనీ ఇంటర్నేషనల్ కంట్రీలో చెక్ఇన్ టైమ్ ఈజ్ అట్ 3 o'clock, 3 గంటలకి చెక్ఇన్ టైం హోటల్ ఇస్తారు. సో మనకేంటంటే 3 o'clock వరకు చెక్ఇన్ లేకుండా ప్రోగ్రామ్ చేయకుండా ఉండకూడదు కాబట్టి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఫస్ట్ 3 డేస్కి ఈ బస్కి. సో ఆయన పేరు మిస్టర్ సురేష్, ఓకేనా సార్? ఓకే. సో ఈ జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మేము మీకు ఇచ్చిన ఇంకా క్లియర్ గా సార్ ఇస్తారు. సురేష్ కేరళ. సురేష్ about 600 to 70 670 kilometer. So this is a north south highway. Yeah, Malaysia is one of the ethnic with many kind of ethnic people live in this country. Yeah, and our main religion and main majority people are here. Yeah, hamare Ajaz bhai swagat. Fazil bhai acche hai? Fazil bhai नीनु ही नहीं भी फाजिल के रात में और मदीन में कुछ भी नहीं हो रहा. मदीन भाई जब तो खामोश है तो अभी तो शुरू हुआ प्रोग्राम, तो अभी शुरू है. ये हमारा आरुण सर है. नहीं भाई और आरुण सर थके हुए दिख रहे हैं सर आप. पटेल जुदेन हसब सर बस के अंदर सफर कर रहे हैं. चलिए भाई सलाम तो करो. ये हमारे हारून सर के फर्जन और उस्मान. इधर इधर उस्मान, इधर पुर्तगाल के उस्मान भाई. ये हम है, ये हमारा मलेशिया है. ये हमारी बस. चलो देखेंगे होटल के बाद क्या है नाश्ता है. होटल पे आ गए, ब्रेकफास्ट कर रहे. मैं लिया थोड़ी पूरी और दोसा है, शायद कोसा दोसा ऊपर दोसा. आप कैसा ना हमारे घर सर मामा किसका तुम्हारे घर. फोटो शूट चल रहा है हमारा आशम सर का. 5 बस पे, बस से उतरे. पहले आके यहाँ पे मस्जिद है, बोले मस्जिद बताए. ये मेरे पीछे दिख रही है आप लोगों को मस्जिद, मैं अभी बताया था वही मस्जिद. बहुत खूबसूरत मस्जिद है. एक टाइम में 25,000 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं इसमें. और मेरे सामने जो पीछे दिख रहा उसके बारे में आगे ये पहले यहाँ जाके बाद वो भी बता तुम बोला. देखेंगे, गाइड भी है हमारे साथ, टूरिस्ट गाइड जो पूरी टीम को लेकर चल रहे हैं. अभी हम लोग आ गए मस्जिद में. ये मस्जिद है. अभी साथियाँ पूरे नमाज पढ़ेंगे. वज़ू बनाने गए थोड़े दिन, अभी मैं भी वज़ू बनाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह. नमाज का वक़्त हो रहा. हेलो दोस्तों, चलो आ गए सब जने, नमाज़ पढ़ लेके आ गए. अभी वो उस टावर के पास लेके जा रही है मेरे पीछे मस्जिद. आप लोग बहुत खूबसूरत मस्जिद है, बहुत खूबसूरत. और जो मेरे पीछे तालाब है, ये कोई सुल्तान रहता है, सुल्तान का महल है ये मेरे पीछे जो दिख रहा है आप लोगों को, जो फ्लैग दिख रहा. चलो चलेंगे, फ़ोटो शूट हो रहा है यहाँ पे लोगों का. अभी बस के पास जाना है, वहाँ से बस में फिर जाके और एक जगह लेके जाता हूँ, मतलब उसके बाद होटल को जाना है. उसके बाद लंच का भी इंतज़ाम है शायद. देखेंगे और क्या क्या है. अपन बहुत खूबसूरत सिटी है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर भी. बहुत ही प्यारी मस्जिद, बहुत बड़ी मस्जिद है. तो अभी पूरे जने आ गए मस्जिद से, अभी बस में जा रहे. बस से सीधा हम लोग होटल को जाएंगे. क्या है जुबैर साहब? ये हमें, ये हमें, ये हमारी टीम है और यहाँ पार्टी हो रही है. ये हमारे अनीस भाई है. आइए हमारी बस. अभी होटल पे आए हम लोग, खाना खाने जा रहे नवाब रेस्टोरेंट. थोड़ा चावल लिया, गाजर लिया, पनीर का सालन लिया. बस ये हमारे शरीफ भाई, हमारे राजाना, ये हमारे राजाना की फैमिली.
रोटी सालाना उधर पानी दे पिलाओ बस वाटर। अभी हुई होटल में हम लोग खाना खा के निकले, हो गया खाना। ये हमारी बस, यहाँ की मशहूर गाड़ी थी। हाँ हेलो दोस्तों, लंच हो गया। लंच करते ही सीधा बस में बैठे, सीधा होटल पे चेक इन हो गए। होटल पे आके बैठे, ये मेरा रूम, काफ़ी ज़बरदस्त रूम है माशाल्लाह, अच्छा रूम है। और मैं बैक कैमरे से बताता हूँ मेरे होटल के सामने का व्यू कैसा रहता, बैक कैमरे से बताता हूँ आप लोगों को। वेट। हाँ दोस्तों, ये मेरा रूम, सामने व्यू देखो कितना अच्छा रहता। दुनिया की दूसरी लार्जेस्ट हाईएस्ट बिल्डिंग, सेकंड नंबर पे, पहली नंबर पे बुर्ज खलीफा है, उसके बाद यही है मलेशिया की, यही बिल्डिंग है। ये मेरे होटल के नीचे का है, ये हमारी होटल। मैं फिलवक्त अभी सातवें फ्लोर पे हूँ, वो कितने फ्लोर है नहीं मालूम, कल